हमने सीधे चालक में प्रवाहित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि विज्ञान में सोचने की कोई सीमा नहीं है। आप एक हद तक सोचते हैं तो दूसरा आपकी सोच की ओर से आगे निकल जाता है। यदि विद्युत की उपस्थिति में सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित कर सकता है तो सीधे चालक की जगह अगर एक वृत्ताकार पाश या सर्कुलर लूप लिया जाए तो क्या होगा? क्या चुंबकीय क्षेत्र में कोई फर्क नजर आएगा? ये सीधे चालक की ही तरह क्षेत्र प्रवाहित होगा। चलिए दोबारा से लोहे की चूरे वाली एक्टिविटी इस लूप के साथ दोहराते हैं। इस बार सीधे चालक की जगह तार का एक सर्कुलर लूप लिया जाएगा। विद्युत धारा के सक्रिय होते ही एक पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलता है। ये पैटर्न कुछ पहले जैसा है और कुछ अलग। चूरा गोल आकार पैटर्न तो जरूर बना रहा है, लेकिन लूप के चलते दो गोले बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाए तो हमें क्षेत्र रेखाओं की दिशा मिल जाएगी। यदि इस तरफ से विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारी मुड़ती उंगलियां क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। दूसरी ओर विद्युत धारा नीचे की ओर आ रहा है तब क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरफ होगी। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते रहेंगे गोल पैटर्न का आकार बड़ा होता रहेगा और बीच में आकर ये सीधी रेखा की तरह ही दिखेगा, जैसा कि बार मैग्नेट के केस में भी होता था। यदि हम पूरे सिस्टम को पीछे की ओर से देखें तो क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा बदली हुई नजर आएगी और क्षेत्र रेखाएं भी दूसरी दिशा की ओर जाती प्रतीत होगी। जिस तरफ से रेखाएं अंदर की ओर जाती दिख रही है वे साइड लूप में चुंबक के साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की तरह ही काम करेगा और जिस तरफ रेखाएं बाहर की ओर आती नजर आ रही है वे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव की तरह। इन पोल और दिशा को याद रखने का एक आसान तरीका भी है जिसे घड़ी की सुई की घूमने की दिशा से दर्शाया जा सकता है। यदि विद्युत धारा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में गमन कर रहा है तो वे साइड साउथ पोल होगी। इसे एस पर बनाए ऐसे तीर से याद रखा जा सकता है। और यदि विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुई के विपरीत दिशा में गमन कर रहा है तब एक एन पर बनाए तीर से याद रखा जा सकता है। मुझे यकीन है कि आज के बाद आप नॉर्थ और साउथ पोल को हमेशा याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधे चालक का तो ठीक था, मगर ये वृत्ताकार पाश पढ़ाने का कारण क्या था? कारण आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। यदि एक लूप की जगह बहुत सारे लूप लिए जाए मतलब एक तार को कई बार घुमाकर ऐसा कुछ बनाया जाए तो क्या होगा? तार की इस कुंडली को विज्ञान की भाषा में परिनालिका या इंग्लिश में सोलेनोइड कहा जाता है। यदि लूप की तरह इसको भी विद्युत धारा से जोड़ा जाए तब लोहे का चूरा भी एक पैटर्न बना लेगा, जिसका मतलब है यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बना है। क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दोनों छोर पर विद्युत धारा की दिशा देखेंगे। इस छोर पर दिशा क्लॉकवाइज है तो सीखे गए नियम के अनुसार ये सोलेनोइड का साउथ पोल होगा और दूसरे छोर पर दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो वह नॉर्थ पोल माना जाएगा। इस प्रकार हम क्षेत्र रेखाओं को दिखा सकते हैं। यदि इस चित्र को ध्यान से देखें तो यह हमें छठ चुंबक की याद दिलाता है। तो क्या हम सोलेनोइड के माध्यम से चुंबक बना सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि सोलेनोइड से हम चुंबक जैसा कुछ बना सकते हैं। यदि सोलेनोइड के बीच में नरम लोहे जैसा कोई पदार्थ रखा जाए और विद्युत धारा का स्विच ऑन हो तो ये नरम लोहा बिल्कुल चुंबक की ही तरह व्यवहार करेगा। विद्युत की मदद से बनी इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। इन विद्युत चुंबक का हमारे घरों और विद्यालयों में लगे कई उपकरण जैसे पंखों, मोटर, कपड़े धोने के मशीनों और जनरेटर को चलाने में उपयोग किया जाता है। हमने इस वीडियो में वृत्ताकार पाश एवं सोलेनोइड तक, फिर सोलेनोइड के विद्युत चुंबक बनाने तक की कहानी देखी।
मोटर जैसे उपकरणों में ये विद्युत चुंबक किस तरह उपयोग होती है, ये अगली वीडियो में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को सीखने के बाद देखेंगे।